जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर इस नए बुक को देख रहे हैं, ये बुक गुरु रहमान सर का बुक है, जो कि स्पेशल बिहार मद निषेध सिपाही के लिए प्रकाशित किया गया है। इस बुक में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, अन्य पब्लिकेशन बुक में जो क्वेश्चंस है उससे एक लेवल थोड़ा सा अप दिया गया है। अगर एग्जाम्स में बाय चांस क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा अप पूछा जाता है तो इस बुक से आप लोग बिल्कुल आराम से मैनेज कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी बुक से एक स्पेशल प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। तो जल्दी जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग हिंदी के प्रश्न को कवर करेंगे। तो पहला प्रश्न है, लोटा छत से गिरा में कौन सा कारक है। आप लोगों को आंसर करने के लिए लाइव चैट का ऑप्शन दिया गया है। अगर किसी भी प्रश्न का आंसर पता है तो आप लोग लाइव चैट में अपना अपना आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, लोटा छत से गिरा, यानी कि लोटा जो है ये छत से गिरा, यानी कि अलगाव का भाव आ रहा है। तो यानी कि इसमें अपादान कारक है। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। दूसरा है, अकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आंसर बताएंगे, अकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जान लीजिए अकर्मक क्रिया किसको कहते हैं। जिन क्रियाओं का व्यापार और फल जो है कर्ता पर पड़ता है उसे हम लोग अकर्मक क्रिया कहेंगे। और अकर्मक क्रिया के तीन भेद होते हैं। तो सही जवाब है ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आम के आम गुठलियों के दाम लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। तो देखिए, बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका सही जवाब है दोहरा फायदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्ल के घोड़े दौड़ाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। सभी ऑप्शंस को आप लोग सही से देखिए। और देखिए, प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करना है। तो देखिए, अक्ल के घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ है केवल कल्पनाएं करते रहना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल कल्पनाएं करते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रमांक के वाक्य में सही विराम चिन्ह लगा है। चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए, विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ पर होता है। पाठक के भाव बोध को सरल और सुबोध बनाने के लिए विराम चिन्ह का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो देखिए, ऑप्शन ए में देख सकते हैं, राम तुम अब सो जाओ, इसमें जो विराम चिन्ह है बिल्कुल सही में प्रयोग किया गया है। और ये जो है इस तरह के सिंबल को क्या बोलते हैं, तो इसको विस्मयादि चिन्ह बोला जाता है, जो कि बिल्कुल उचित स्थानों पर प्रयोग किया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। किस क्रमांक में कृति कृति शब्द युग्म का सही अर्थ है, यानी कि आपको बताना है इस कृति और इस कृति का अर्थ क्या होगा। तो देखिए, इस कृति का अर्थ होता है रचना, और ये वाला जो कृति है इसका अर्थ होता है करने वाला। तो दूसरे ऑप्शन में दिया गया है रचना करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, तद्दित प्रत्यय वे होते हैं। चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए, जो क्रिया के घात रूपों को छोड़कर अन्य शब्दों के साथ लगते हैं उसको बोलते हैं तद्दित प्रत्यय। तो देखिए, किस ऑप्शन में दिया गया है, सी ऑप्शन में दिया गया है, जो क्रिया के धातु रूपों को छोड़कर अन्य शब्दों के साथ लगते हैं। चलिए आठ नंबर में देखते हैं, चांदनी शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको इसमें बताना है कि चांदनी शब्द का पर्यायवाची इनमें से कौन नहीं है। तो देखिए, चांदनी का पर्यायवाची होता है ज्योत्सना होता है, कौमुदी होता है, चंद्रिका भी होता है, लेकिन ये शुभ्रा जो है ये इसका पर्यायवाची नहीं है, ध्यान रखना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन चौथा। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग डेली क्लास टाइमिंग को नोट कर लेंगे। और देखिए, अगर आप लोग इस एग्ज़ाम के लिए टॉपिक वाइज GK GS को पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग 3 बजे की क्लास को डेली अटेंड कर सकते हैं।
टॉपिक वाइज में अभी तक जितने भी क्लास हुए हैं सभी का प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आप लोग इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी सभी का अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगा। और देखिए इसके साथ साथ आपको ये जो क्लास है 6 बजे वाली, इसको तो आपको करना ही करना है, क्योंकि आपके एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखना है 6 बजे डेली सुबह करंट अफेयर्स की क्लास होती है, तो आपको डेली करना है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब आपके यहाँ से जीके जीएस के प्रश्न स्टार्ट होते हैं, जो कि टाइप क्या हुआ मिलेगा, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट बुक से पढ़ाते हैं जिस तरह से अभी हिंदी का प्रश्न था, तो फिर आपको पीडीएफ नहीं मिल पाएगा। फिर आप ही लोग कमेंट करेंगे कि सर पीडीएफ दीजिए, पीडीएफ दीजिए। इसलिए आप लोगों को कोई परेशानी ना हो, इसलिए जो बुक में क्वेश्चंस है सिर्फ यहाँ पर टाइप कर दिया गया है। तो प्रश्न है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? चलिए आप लोग आंसर करते जाएंगे। और देखिए आंसर प्रत्येक स्टूडेंट को करना है, क्योंकि आंसर करने से होता क्या है, आपको प्रश्न ज़्यादा दिन तक याद रहते हैं। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह जो कथन है ये अरस्तु का है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अली अकबर निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य बजाते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए अली अकबर जो है ये मेहर घराने के एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार थे, और ये सरोद बजाते थे। तो सही जवाब है सी ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो देखिए बात करें सिंधु घाटी की लिपि अभी तक अज्ञात है, और सिंधु लिपि की भांति ही इसकी जो भाषा है ये भी अभी तक अज्ञात है। तो सही जवाब होगा बी ऑप्शन, अज्ञात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन से साहित्य कृति कृष्णदेव राय ने लिखी थी? चलिए आंसर करते जाएंगे। बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, जिस तरह से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं बिल्कुल उसी तरह के प्रश्न है। तो 5वें का आंसर क्या होगा, देखिए विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक थे कृष्णदेव राय। इन्होंने तेलुगु भाषा में अमुक्त माल्या नामक पुस्तक की रचना की है। तो सही जवाब है सी ऑप्शन, अनुक्त माल्याद। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह वित्तीय आपातकाल लागू कर दे? यानी कि बताना है कि किस आर्टिकल में बताया गया है वित्तीय आपात के बारे में। तो हमने आपको 3 आर्टिकल बताया था, पहला 352 जो कि राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, उसके बाद इसमें 4 ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा 356, ये राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, और फिर है 360, ये जो है वित्तीय आपात से संबंधित है, यानी कि 4-4 का गैप है, आपको ध्यान रखना है। तो सही जवाब है डी ऑप्शन, आर्टिकल 360। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी की चित्राकृति लॉर्ड्स के मैदान में प्रदर्शित है? फटाफट से आंसर करेंगे। तो देखिए इसका सही जवाब है कपिल देव की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रैंड कैनियन किस नदी में है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इस पर आप लोग स्टार लगा लेंगे, ये प्रश्न एग्जाम में आने की पूरे चांसेस है। और देखिए कल से ये जो बुक है गुरु रहमान सर का, इससे प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो इसलिए जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों से एक भी सेशन मिस ना हो। और क्लास का टाइमिंग जो है डेली रात 8 बजे ये क्लास लाइव चैट के साथ चलता है। तो ग्रैंड कैनियन किस नदी में है? तो देखिए ग्रैंड कैनियन जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना राज्य में कोलोराडो नदी द्वारा निर्मित एक घाटी है। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, कोलोराडो नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? बहुत ही शानदार प्रश्न है। चलिए तो देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में होती है, और जिस समय इसका गठन हुआ
उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? तो ध्यान रखना है अकबर। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अकबर ने 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म की भी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्न में से कौन सी घटना नहीं घटी थी? चलिए आंसर करेंगे, सोच समझ कर आंसर करना है। तो देखिए, लॉर्ड कर्जन जिस समय वायसराय था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन नहीं हुआ था, क्योंकि ये जो हुआ था 1885 में हुआ था, और उस समय वायसराय कौन था? तो डफरिन था, लॉर्ड डफरिन। आप लोग नोट करके रख लेंगे, लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया था। कब? तो 28 दिसंबर 1885 को। कहाँ पर? तो बम्बई में। किसने किया था? तो ए ओ ह्यूम ने। इन सभी बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस में आतंक के शासन के दौरान निम्न में से किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? चलिए आंसर करते जाएंगे फटाफट से। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, रॉब्सपियर। ध्यान रखना है, रॉब्सपियर नामक फ्रांसीसी वकील और राजनीतिक ने आतंक के शासन काल में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वह मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन निछालन की ओर प्रवृत्त है क्या कहलाती है? चलिए आंसर करते जाएंगे। और देखिए, अगर आप में से कोई बिहार पुलिस या बिहार मद निषेध सिपाही या बिहार फायरमैन का एग्जाम कभी दिए हैं तो आप लोगों को पता चल रहा होगा कि बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, 12वां का राइट आंसर क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, लेटराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल संवर्धन पौधे के कर्षण की एक विधि है जिसमें निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए, जल संवर्धन पौधे के कर्षण की विधि, इसका मतलब क्या है? इसमें देखिए, बिना मिट्टी का इसमें खेती किया जाता है, और इस तरीका को क्या बोला जाता है ये भी पूछा जाता है कि बिना मिट्टी के खेती करने का तरीका को क्या कहते हैं? तो हाइड्रोपोनिक्स। इस बात को नोट कर लेंगे, एग्जाम में पूछा गया है, हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं, ध्यान रखना है। तो इसमें बोल रहा है किसका प्रयोग नहीं किया जाता है, तो मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकटग्रस्त प्रजातियों को किस रंग की डेटा बुक में दर्शाया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न पर भी आप लोग स्टार लगा लें। चलिए आंसर करेंगे 14 के लिए। तो देखिए, संकटग्रस्त पादपों की एक सूची रेड डाटा बुक नाम की एक प्रकाशन के रूप में प्रकाशित की जाती है, तो उसका सही जवाब होगा रेड डाटा, यानी कि लाल। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। इसमें विलुप्त के खतरे में पड़े जीव जंतुओं और पक्षियों की फोटो और ब्यौरा दिया जाता है रेड डाटा बुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में करेंसी नोटों की मुद्रण और आपूर्ति कौन करता है? बिल्कुल एक नंबर का प्रश्न है, चलिए आंसर करेंगे। और देखिए, आप लोगों को डेली क्लास को अटेंड करना है, एक भी दिन क्लास को मिस अब नहीं करना है, क्योंकि आपके पास बिल्कुल भी अब समय नहीं बचा हुआ है। तो देखिए, भारत में 4 स्थानों पर बैंक नोट मुद्रित किए जाते हैं। अगर पूछे कि करेंसी नोट प्रेस कहाँ है, तो ये नासिक में है, जो कि पूछ भी रहा है कि भारत में करेंसी नोट की मुद्रण और आपूर्ति कौन करता है, तो सिक्योरिटी प्रेस नासिक के द्वारा होता है। अगर आपसे पूछे कि बैंक नोट प्रेस कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश के देवास में है। भारतीय नोट मुद्रा निगम पूछे, तो पश्चिम बंगाल के सालबोनी में है, और भारतीय नोट मुद्रा निगम पूछे तो कर्नाटक के मैसूर में है। तो फिलहाल इसका राइट आंसर डी है। निम्न में से कौन सा संगठन और उसका मुख्यालय गलत ढंग से मिलाया गया है? चलिए, इधर संगठन है और इधर मुख्यालय है, तो देख सकते हैं इंटरपोल का लियोन बिल्कुल सही है, अंतर्राष्ट्रीय डाक संघ ये भी है, खाद्य एवं कृषि संगठन रोम में ये भी सही है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन ये लंदन दिया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये लंदन में नहीं है। इसका मुख्यालय कनाडा के मॉन्ट्रियल में क्वार्टर इंटरनेशनल में स्थित है। सिंपली आपको ध्यान रखना है कनाडा में है।
द स्टेट ऑफ द नेशन पुस्तक का लेखक कौन है? इम्पोर्टेंट पुस्तक है। तो देखिए द स्टेट ऑफ द नेशन फली एस नरीमन द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध पुस्तक है। सही जवाब है डी ऑप्शन। निम्न नोबेल पुरस्कार विजेताओं में से किस विजेता को शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था? देखिए ये सभी जो नाम देख रहे हैं सभी को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, लेकिन आपको बताना है शांति का नोबेल पुरस्कार किसे नहीं मिला है। तो ये मिला है किसको नहीं? विंस्टन चर्चिल को। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। विंस्टन चर्चिल को 1953 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किबू लामजाओ जो विश्व का अकेला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर स्थित है? तो बहुत ही आसान प्रश्न है, ये स्थित है मणिपुर में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। के आर कुमार स्वामी अय्यर बजाते हैं। तो देखिए के आर कुमार स्वामी जो है ये वीणा बजाते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन ए वीणा। और देखिए एक भी प्रश्न फालतू नहीं है, सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए क्लास को ध्यानपूर्वक अटेंड करें। व्यक्तिगत ट्रैक प्रतिस्पर्धाओं में ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो देखिए इसका सही जवाब है पीटी उषा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के जन्म स्थल पर एक राष्ट्रीय स्मारक का निर्माण किया गया है, उस स्मारक का नाम क्या है? चलिए आंसर करेंगे। और देखिए इस बुक की खास बात यह है कि इस बुक में करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, जिस तरह से आपके एग्जाम में पूछे आते हैं बिल्कुल उसी तरह के करंट अफेयर्स हैं, बिहार से रिलेटेड करंट अफेयर्स दिए गए हैं। आप लोग टेंशन ना लें, सभी को हम कवर करा देंगे, बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें ताकि आप लोगों से एक भी वीडियो मिस ना हो। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, कृति मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले भारतीय क्रिकेट कप्तान कौन थे? चलिए आंसर करेंगे, पहले भारतीय क्रिकेटर कप्तान कौन थे? तो देखिए ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, इसका सही जवाब है सीके नायडू। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगर पूछे कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय क्रिकेट कप्तान कौन थे तो लाला अमरनाथ, यहाँ पे नाम लिख देते हैं, यहाँ देखिए ऑप्शन बी में दिया गया है लाला अमरनाथ, ये स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय क्रिकेट कप्तान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम शासकों में सबसे पहले किसने मूल्य नियंत्रण लागू किया? वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। और देखिए अगर आप लोगों को कंटेंट पसंद आता है, पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को दिल से लाइक करें, पूरा सपोर्ट करें, सेशन को जितना हो सके अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपको एग्जाम तक ऐसे ही बिल्कुल फ्री वीडियो मिलते रहे। तो 24 का आंसर क्या होगा? सही जवाब है ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ध्यान रखना है ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सूरी राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो देखिए भारत में सूरी राजवंश के संस्थापक थे कौन? तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन बी है शेरशाह सूरी, ध्यान रखना है। शेरशाह सूरी का मकबरा भी पूछा जाता है कहाँ है, तो ये बिहार के सासाराम में है। पूछा गया प्रश्न है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, तो सासाराम में है, ध्यान रखना है। और आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि बाबर का मकबरा तो काबुल में है लेकिन अकबर का मकबरा कहाँ है, देखते हैं कितने बच्चे आंसर करते हैं, अकबर का मकबरा बताना है। केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली की राजधानी यूनिवर्सिटी कौन सी है? चलिए तो 26 का आंसर क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सिलवासा है, ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछे कि लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है, तो कवरत्ती जो है ये लक्षद्वीप की राजधानी है। एक प्रकार की वर्षा जो हवा के पहाड़ियों की पट्टी के साथ ऊपर उठने के कारण होती है क्या कहलाती है? चलिए आंसर करेंगे, तो 27 का आंसर है ऑप्शन डी पर्वतीय। देखिए हवा के पहाड़ियों के पट्टी के साथ ऊपर उठने के कारण जो वर्षा होते हैं उसे पर्वतीय वर्षा बोला जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। इस तरह के एक प्रश्न एग्जाम में 100% पूछा जाता है।
राष्ट्रकूट प्रतिहार और पालों का संबंध है? तो देखिए, राष्ट्रकूट प्रतिहार एवं पाल वंश के राजाओं के बीच परमाधिकार के लिए त्रिदिशीय संग्राम हुआ था। तो सही जवाब है बी ऑप्शन, त्रिदिशीय संग्राम। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण किया? तो देखिए, कुतुब मीनार अगर बनवाने का कार्य पूछे किसने स्टार्ट किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। पूरा किसने करवाया था? तो ऑप्शन में इल्तुतमिश दिया गया है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। मुमताज महल किस प्रसिद्ध मुगल बादशाह की पत्नी थी? तो बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका सही जवाब है 30 का राइट आंसर सी है, शाहजहां। प्राचीन के अवशेषों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो देखिए, प्राचीन काल के अवशेषों का अध्ययन पुरातत्व विज्ञान कहलाता है। सही जवाब है बी ऑप्शन। और फ्रेंड, सेशन के एंड में आप लोग अपना अपना स्कोर जरूर देंगे कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों के सही सही जवाब दिए हैं, और बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक स्कोर देना है। सिपाही विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष में हुआ था? तो देखिए, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1857 में। कब शुरू हुआ था? तो 10 मई से उत्तर प्रदेश के मेरठ से। और 1857 की क्रांति के बारे में अगर आप लोग डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो इसके बारे में आज 3 बजे वाली क्लास में पढ़ाया गया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं। निम्न में से किसके कारण पोलियोमाइलाइटिस होता है? यानी कि आपको बताना है पोलियोमाइलाइटिस किसके कारण होता है। तो 33 का राइट आंसर क्या है? ये होता है एंट्रोवायरस के कारण। ए ऑप्शन सही जवाब है। टाइलिन नामक एंजाइम किस ग्रंथि में बनता है? तो ये बनता है लार ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? तो देखिए, प्रिज्म से गुजारने पर दृश्य प्रकाश के रंगों में जिस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगी, वह सबसे अधिक विचलन दर्शाएगा। तो कौन सबसे अधिक दर्शाएगा? बैंगनी रंग। सही जवाब है सी ऑप्शन, ध्यान रखना है। और लाल रंग जो है ये सबसे कम विचलन दर्शाएगा। जब कोई पिंड वायुयान से गिराया जाता है, तब इसकी खाली स्थान बढ़ जाती है। ये सभी साइंस के प्रश्न है, चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब है सी ऑप्शन, त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल खींचने वाले विद्युत पंप द्वारा हम बदलते हैं? तो विद्युत ऊर्जा को उसमें स्थितिज ऊर्जा में बदला जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। किसी पिंड की उस गति को क्या कहते हैं जिसके कुछ समय के अंतराल के बाद पुनरावृत्ति होती रहती है? तो देखिए, जब किसी पिंड की गति का कुछ समय के अंतराल के बाद पुनरावृत्ति होती रहती है, तो उसे आवधिक गति कहते हैं। सही जवाब है ऑप्शन ए। इन सभी प्रश्नों को ध्यान रखना है, साइंस के बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, इजी प्रश्न एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उड़ता है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो 39 का राइट आंसर है, ये केसकीय घटना के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के लिए निम्नलिखित कथनों में कौन सा गलत है? और देखिए, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक करें, और सेशन को जितना हो सके अपने सभी दोस्तों के साथ पूरा शेयर करें, सपोर्ट करें। तो 40 का आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब है, वह निर्वात में नहीं गुजर सकता, ये गलत है, क्योंकि प्रकाश तो निर्वात में भी चल सकता है। तो सी ऑप्शन जो है ये गलत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने इस नए बुक से 40 GK GS और प्लस 8 हिंदी के प्रश्नों को कवर किया। तो इसी के साथ आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है।